हेलो गाइस, मेरा नाम है राम प्रजापति और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ सिंधी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बजट ईयरफोन्स के बारे में, जहां पर आपको 500 रुपये के अंदर कुछ बेस्ट ईयरफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, वो टाइम गया जब आपको बॉक्स के अंदर ही ईयरफोन्स देखने को मिल जाते थे, लेकिन आज के समय पर आपको ज़्यादातर मोबाइल के बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में हमें बाहर से ही ईयरफोन को परचेस करना होता है और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत से लोग तो सिर्फ ईयरफोन्स की लुक और उसकी जो क्वालिटी है उसको देख करके ही सिर्फ परचेस कर लेते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि यार जो उन्हें साउंड क्वालिटी चाहिए थी, जो आउटपुट चाहिए था, वैसी आउटपुट यानी वैसी साउंड क्वालिटी उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 500 रुपये के अंदर कुछ बेस्ट ईयरफोन्स के बारे में। दोस्तों, ट्रस्ट मी कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी और बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर के आने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ईयरफोन, जो है क्रिएटिव की तरफ से, क्रिएटिव EP530। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो वायर देखने को मिलती है वो टैंगल्ड फ्री है और इसके अंदर आपको 10mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है दोस्तों, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेस भी देखने को मिल जाता है, साथ ही इसके अंदर आपको जो इसके बड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिलती है, तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। साथ ही आपको इसके अंदर माइक और प्ले पॉज का बटन भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइस है वो लगभग 300 रुपये के आसपास में है। अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑफलाइन में इसका प्राइस और भी कम मिलेगा, लेकिन अगर इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। अगला ईयरफोन है दोस्तों JBL की तरफ से, JBL C50HI। दोस्तों, JBL का नाम आपने सुना होगा, इसकी जो साउंड क्वालिटी तो होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। इस ईयरफोन के अंदर भी आपको टैंगल फ्री वायर देखने को मिल जाती है दोस्तों, और इसके अंदर भी आपको 10mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही कमाल की है। साथ ही में इसके अंदर आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आपको इनलाइन माइक्रोफोन के साथ में यहाँ पर एल शेप कनेक्टर भी दिया गया है। और दोस्तों, इसकी प्राइस है 499 रुपीज़ अगर आप इसे अमेजोन से परचेस करते हैं तो। तो अगला ईयरफोन है दोस्तों सैमसंग की तरफ से, Samsung EHS64। दोस्तों, ये जो ईयरफोन है ये गेमिंग के लिए है और यहाँ पर आपको फ्लैट ऑडियो देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इस ईयरफोन की, तो यहाँ पर आपको 10mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा, टैंगल फ्री वायर है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम के लिए डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर माइक की, तो यहाँ भी आपको माइक का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको फ्लैट ऑडियो पसंद है या फिर आप गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, इसकी प्राइस है लगभग 350 रुपये। दोस्तों, अगर आपको पसंद है तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। अगला ईयरफोन है दोस्तों बेस लवर्स के लिए, और ये ईयरफोन है बोट की तरफ से, बोट बेस हेड्स 225। दोस्तों, इस ईयरफोन के अंदर आपको 10mm का ड्राइवर दिया गया है, जिसके अंदर आपको जो बेस क्वालिटी मिलेगी दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलता है दोस्तों सुपर एक्स्ट्रा बेस का, तो वहाँ पर आपको बेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की मिलेगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों इसकी वायर की, तो यहाँ पर भी आपको टैंगल्ड फ्री वायर देखने को मिल जाएगी, और इसके जो ईयर टिप्स हैं यानी जो बड्स हैं उसके अंदर आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर आप इनलाइन माइक का भी सपोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर आपको एल शेप कनेक्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसकी प्राइस है लगभग 550 रुपये, तो आप इसे भी अमेजोन से जाकर के परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको सारे ईयरफोन्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर इन्हें परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए टेक से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं हम अगले ईयरफोन की। तो अगला ईयरफोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी ईयरबड्स 2। दोस्तों, ये जो ईयरफोन है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और अगर हम बात करें यहाँ पर इस ईयरफोन की, तो यहाँ पर आपको 11mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, तो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों इस ईयरफोन की, तो यहाँ पर आपको जो बेस मिलेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है।
और इस ईयरबड्स के अंदर आपको ब्रेडेड वायर देखने को मिल जाती है दोस्तों, तो आपके जो वायर्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके ईयर टिप्स की, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी जो ईयरबड्स है दोस्तों वो प्लास्टिक के हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी दिया गया है, और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा हैवी बेस का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 600 रुपये अगर आप इसे अमेज़ॉन से परचेस करते हैं तो। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक और ईयरफोन की, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है रियल मी की तरफ से, रियल मी बर्ड्स क्लासिक। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इस ईयरफोन की प्राइस है 400 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर जो फीचर दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वायर देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ में आपको यहाँ पर माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों इसके ड्राइवर की, तो यहाँ पर आपको 14.2 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इतनी अच्छी आपको यहाँ पर साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और साथ ही यहाँ पर आपको जो बेस देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा रिच, बहुत ही ज़्यादा आपको कमाल का देखने को मिलेगा। और साथ ही इसके अंदर आपको बेस जो देखने को मिलेगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डीप होगा, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको जो वोकल्स देखने को मिलेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसके ईयर टिप्स की, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक के ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, और यहाँ पर भी आपको माइक्रोफोन का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों अगर आपका बजट 400 रुपये है और आप एक अच्छा ईयरफोन परचेस करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी, बहुत डीप बेस मिले, तो आप इस ईयरफोन के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस लिस्ट के सबसे आखिरी ईयरफोन की, तो वो है रेडमी की तरफ से। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस ईयरफोन की दोस्तों, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वायर देखने को मिल जाएगी, और साथ ही इसके जो ईयरबड्स है वो आपको एल्युमिनियम के देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो ईयरफोन है इसके अंदर आपको हाई क्वालिटी की साउंड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसका जो ड्राइवर है वो सिर्फ 10 mm का है, लेकिन यहाँ पर आपको डायनामिक ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस, फुल वोकल्स, और साथ ही बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको ट्रेबल साउंड भी देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इसके अंदर HD माइक्रोफोन का भी सपोर्ट दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ में इसके अंदर आपको एल शेप्ड कनेक्टर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ईयरफोन है, और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो भी है 400 रुपये। दोस्तों अगर आप 400 रुपये की प्राइस पर परचेस करना चाहते हैं रेडमी का ईयरफोन, तो आप इस ईयरफोन के साथ में जा सकते हैं, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जा करके इन ईयरफोन्स को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए टेक से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।